भक्तों, सती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हो गए और भगवती सती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वर प्रदान कर दिया। इसके अनंतर ब्रह्मा जी की सन्निधि में दक्ष के यहाँ शिव सती का विवाह समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। विवाह के अनंतर भगवती सती और भगवान शंकर अपने स्थान कैलाश पर पधार गए। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर शिवा और शिव के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती ने भगवान शंकर से जीवों के उद्धार के लिए तत्वज्ञान प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शंकर ने अपनी भार्या सती से उत्तम ज्ञान का प्रतिपादन करते हुए नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन किया। हे मानव, एक समय की बात है, भगवान रुद्र वृषभ श्रेष्ठ नंदी पर आरूढ़ हो भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने दंडकारण्य में लक्ष्मण सहित श्री राम को देखा, जो अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज करते हुए हा सीते हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते तथा बारंबार रोते थे। उस समय भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और श्री राम के सामने अपने को प्रकट किए बिना वे दूसरी ओर चल दिए। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने शंकायुक्त होकर भगवान शंकर से पूछा, हे देव, विरह से व्याकुल उन दोनों को देखकर आपने इतना विनम्र होकर उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम क्यों किया? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। बड़े भाई राम भगवान विष्णु के संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेषावतार हैं। वे जगत के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर भी सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव ने कहा, यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो श्री राम की परीक्षा कर लो, जिससे तुम्हारा भ्रम नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव की आज्ञा से राम की परीक्षा लेने के लिए सती सीता का रूप धारण कर राम के पास गईं। सती को सीता के रूप में सामने आया देख शिव शिव का जप करते हुए श्री राम सब कुछ जान गए। हे भक्तों, भगवान राम ने सती से पूछा, भगवान शंभु कहाँ गए हैं? आपने अपना स्वरूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? श्री राम जी की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गईं और लज्जित भी हुईं। उन्होंने कहा, हे राघव, मैंने उनकी आज्ञा लेकर आपकी परीक्षा की है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप साक्षात विष्णु हैं। आप शिव के वंदनीय कैसे हो गए? कृपा कर आप मेरे इस संशय को दूर करें। श्री राम बोले, एक समय भगवान शंभु ने अपने परम धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर एक रमणीय भवन बनवाया और उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण करवाया। उस मंडप में स्वयं भगवान महेश्वर ने श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना सारा ऐश्वर्य प्रदान करते हुए ब्रह्मा जी से कहा, लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे वंदनीय हो गए।
इस बात को सभी सुन लें। ऐसा कहकर रुद्रदेव ने स्वयं ही श्री हरि को प्रणाम किया। इधर भगवती सती चिंताग्रस्त होकर शिव जी के पास आ गईं। भगवान शिव के पूछने पर सती ने कहा, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। इसके अनंतर भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया। शिव जी ने सोचा, यदि मैं अब सती से स्नेह करूं, तो मुझ शिव की महान प्रतिज्ञा ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार विचार कर शंकर जी ने हृदय से सती का त्याग कर दिया। भक्तों, पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों तथा महात्माओं का विधि विधान से बड़ा यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने पधारने पर समस्त ऋषियों को नतमस्तक हो स्तुति और प्रणाम द्वारा दक्ष का आदर सत्कार किया। परंतु उस समय महेश्वर ने दक्ष को प्रणाम नहीं किया। महादेव जी को वहां मस्तक न झुकाते देख दक्ष प्रजापति रुद्र पर कुपित होते हुए बोले, मैं इस रुद्र को यज्ञ से बहिष्कृत करता हूँ, यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न पाए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, एक समय दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सभी देवताओं तथा ऋषियों को बुलाया। देवता तथा ऋषिगण बड़े उत्साह के साथ उस यज्ञ में जा रहे थे। सती को जब यह मालूम हुआ कि मेरे पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तो उन्होंने भगवान शंकर से वहां जाने की अनुमति मांगी। महेश्वर बोले, देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे विशेष द्रोही हो गए हैं। जो लोग बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं, वे वहां अनादर ही पाते हैं, जो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। भगवान शंकर की यह बात सुनकर सती अपने पिता पर बहुत कुपित हुई तथा वहां जाने के लिए तत्पर हो गईं। शिव जी ने अपने गणों के साथ सजे हुए नंदी वृषभ भर सती को विदा किया। यज्ञशाला में शिव का भाग ना देखकर असह क्रोध प्रकट करते हुए वे विष्णु आदि सब देवताओं को फटकारने लगीं। अपने पिता के प्रति रोष व्यक्त करते हुए वे बोली, हे तात, आप शंकर के निंदक हैं, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। इस लोक में महान दुख भोग कर अंत में आपको यातना भी भोगनी पड़ेगी। जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम एक बार उच्चारित हो जाने पर संपूर्ण पाप राशि को शीघ्र ही नष्ट कर देता है, अहो, आप उन्हीं शिव से विपरीत होकर उन पवित्र कीर्ति वाले सर्वेश्वर शिव से विद्वेष करते हैं। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शरीर के दक्ष हो जाने पर पवित्र वायुमय रूप धारण किया। तदनंतर अपने पति के चरण कमल का चिंतन करते हुए सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हे मुनि श्रेष्ठ, यज्ञाग्नि में गिरा उनका निष्पाप शरीर अग्नि से जलकर उनके इच्छा अनुसार उसी समय भस्म हो गया। उस समय देवताओं आदि ने यह घटना देखी तो वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। सती के प्राण त्याग को देखकर शिव जी के पार्षद शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, समस्त देवता आदि यज्ञ मंडप से शीघ्र निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।